कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा, लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए, मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी, जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले।